आज क्वेश्चन नंबर 18 अपना संत और महंत तीन अनुपात दो के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समाज दोनों पर से साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। ये अपने को यहाँ पर रेडी करना है। सकल तलपट दी हुई है अपन दोनों की, उसमें उधार बाकी और कुछ जमा बाकी दी हुई हैं, और नीचे फिर हमको क्या दिए हुए हैं, समायोजन दिए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट खाते अपने जो है पांच, कितने खाते होंगे, पांच, व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट, ठीक है। अब एक एक करके हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, समायोजनों को टिकमा करेंगे। तो सबसे पहले 31/3/2017 के रोज माल का स्टॉक 25,500 था, यानी कि अंतिम स्टॉक है, उसका कोई टिकमार्क होगा नहीं। कैसे पता चला ये अंतिम स्टॉक है, तारीख से 31/3 लिखा है। इसके लिए प्लांट यंत्र पर 15% और फर्नीचर पर 7.5% की दर से घिसाई। तो प्लांट यंत्र जहां भी दिखाई देता है उसको टिकमार्क करना है और फर्नीचर को भी। दूसरा नंबर प्लांट यंत्र और फर्नीचर, इन सबको हमने टिकमा कर दिया है। आगे चलते हैं, देनदारों पर डूबत ऋण, तो देनदार जहाँ दिखाई देता है उसको टिकमा करना है। तीन नंबर डूबत ऋण, अगर कहीं दिखाई देता तो उसको भी टिकमा करना है। तीन नंबर आगे चलेंगे, साझेदारों की पूंजी पर 6% का ब्याज देना है, तो पूंजी कहाँ है हमारे पास में, ये रही, उसको हम चार नंबर टिकमा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है अदत्त खर्च, उसमें यहाँ पर चार पांच नाम दिए हैं, वो चार के चार नाम आएंगे। तो उत्पादक मजदूरी जहाँ दिखाई देता है उसको पांच नंबर टिकमा करो। विज्ञापन खर्च दिखाई देता है उसको टिकमा करना है, पांच नंबर। उसके बाद में ऑफिस वेतन पांच नंबर, ऑफिस टेक्निकल खर्च भी है हमारे पास तो उसको भी क्या नंबर देना हमको, पाँच नंबर। तो हमारे सारे टिकमार्क यहाँ कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बाकियां हैं उसको अलग अलग खातों के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जमा बाकी से स्टार्ट करते हैं। जमा बाकी में लिखा हुआ है पहले पूंजी खाता, ये कहाँ लिखेंगे हम, पूंजी खाते के जमा में क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। ठीक है, यहाँ पर दोनों की शेष हमको कितनी दी हुई है, 80,000 और 40,000 पूंजी की शेष दी है, तो हम वो लिखेंगे 80,000 और 40,000। उसके बाद दिया लेनदार, ये हमारे कहाँ आता है, पक्की तलपट में, पूंजी दायित्व पक्ष में। लेनदार पर कोई समायोजन नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ इसको, 48,000, यस और नो। उसके बाद है प्लांट यंत्र का विक्रय, देखो प्लांट यंत्र का हम सब कुछ बाद में ही लिखेंगे, सो आई एम लिविंग दिस। नेक्स्ट बिक्री दी हुई है, ये हमारे कहाँ आती है, व्यापार खाते के जमा में, तो व्यापार खाता ये रहा, उसके जमा में हम लिखते हैं बिक्री। कोई टिक मार्क है नहीं है तो बाहर जान देते हैं, शायद खरीद बिक्री वापसी भी नहीं है इसमें, तो 268,000। उसके बाद में हमारे पास क्या दिया, ज्ञानी के पास से ली लोन 5% की, तो लोन कहाँ आती है, दायित्व में, तो लिखेंगे ज्ञानी से ली लोन कितने, 5% की, ध्यान रखना हमको, ये कितना है 10,000 का, इसका भी समायोजन है वो हम कर ही देते हैं यहाँ पर। देखो 5% से कितना, और लोन लिया है 1/10 को, यानी कि 6 महीने, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 250 लोन का ब्याज होगा, वो लिखेंगे यहाँ पर लोन का ब्याज चुकाना बाकी कितना आएगा, कैसे आएगा, तो देखो 10,000 हमारी लोन, उसका 5% और 6 महीने है, तो 6/12, ठीक है, ये हमारे हो गए कितने, 250। इसकी सेकंड इफेक्ट हमको देनी पड़ेगी, समायोजन है गुप्त समायोजन, तो इसके हम लाभानी खाते में लिखेंगे लोन का ब्याज, या फिर ज्ञानी की लोन का ब्याज लिखोगे तो भी चलेगा, 250 रुपये। उसके बाद हमको दिया हुआ है कमीशन, ये हमारी आवक है जो कि हम लाभानी खाते के जमा में लिखेंगे कमीशन, क्योंकि जमा में दिया इसलिए हमको पता चला कि आवक है, प्राप्त कमीशन जिसको बोल सकते हो, ठीक है।
आगे चलते हैं उधार बाकी की तरफ। तो उधार बाकी में हमको यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है आहरण, कहाँ लिखा जाएगा? चालू पूंजी खाते के अंदर। उधार साइड में लिखते हैं हम इसको, तो यहाँ पूंजी खाता हमको दिया है, उसके उधार में लिखेंगे आहरण खाता। 7,000 और 3,000 आगे ना। उसके बाद हमको दिया हुआ प्लांट अंतर, ये हमारी संपत्ति है। संपत्ति हम कहाँ लिखेंगे? पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष में। यस और नो? यस। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट यंत्र सबसे पहले। कितनी रकम है इसकी? देखो यहाँ पर 33,300। उसके बाद में यहाँ पर लिखी हुई हमको वृद्धि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि 1/7 तारीख भी दी हमको। तारीख का वगैरह हम सब बाद में देखेंगे, अभी जैसे हम यहाँ रकम लिख देते हैं 24,000 रुपये। फिर सामने हमने विक्रय किया हुआ है 4,800 का, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर विक्रय 4,800 का। लेकिन इसकी डेट है 1/4, यानी कि शुरुआत की डेट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्या? फर्नीचर फिटिंग्स। तो यहाँ पर हम 2-3 लाइन और छोड़ देते हैं, उसके बाद में हमारे पास आएगा क्या? फर्नीचर फिटिंग्स। कितना है? 2560। टिक मार्क है, 1 लाइन लीव करेंगे। देनदार कितना है रकम? 64,940। 1 लाइन लीव करेंगे। विज्ञापन खर्च, ये कहाँ आता है? लाभानी खाते के उधार में। कितना है रकम? 13,248। टिक मार्क है। विज्ञापन खर्च 13,248। उसके बाद में रोकड़ और बैंक शेष उधार में दिया है, इसलिए संपत्ति में लिखेंगे। कितनी रकम दी है? 8,496। उसके बाद में खरीदी कहाँ है की? व्यापार खाते के उधार में 1,81,000। 1,81,000। ठीक है। उसके बाद में उत्पादक मजदूरी कहाँ आती है? कितनी है? 47,272। 45,272। ओके। टिक मार्क किया, इसलिए 1 लाइन लीव की है। बिजली खर्च कारखाना का लिखा है, इसलिए व्यापार खाते में आएगा। 4,296 ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर कारखाना। रकम कितनी है इसकी? 4,296। उसके बाद में हमारे पास भाड़ा और कर ऑफिस का है, तो कहाँ आएगा? लाभानी खाते के अंदर। कोई टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर जाएगा। 872। उसके बाद में भाड़ा और कर दिया हुआ है वापस से, लेकिन कारखाना का है, तो व्यापार खाते के अंदर आएगा। कारखाना का हो कोई भी चीज़ तो कहाँ आएगी? व्यापार खाते में। इसके लिए 9,384। उसके बाद नेक्स्ट दिया टेक्निकल खर्च, ये कहाँ आएगा? व्यापार खाते के अंदर टेक्निकल खर्च है इसके लिए। 400 दिया है, तो 400 में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखा है प्रारंभिक स्टॉक, व्यापार खाते के उधार में होगा, तो 33,696 प्रारंभिक स्टॉक। उसके बाद में फैक्ट्री खर्च, ये कहाँ आएगा? व्यापार खाते में ही आएगा, ठीक है। कितना है? 1780। डायरेक्टली बाहर फैक्ट्री यानी कारखाना होता है, इसके लिए उसका खर्च है। ऑफिस वेतन लाभानी खाते के उधार में, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है, तो सब यहाँ आता है।
कितना है 8780 डायरेक्ट नहीं टिक मार्क इसलिए अंदर। उसके बाद में दिया बट्टा यहीं पर ही आएगा 4800। आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार में आएगा आवक माल गाड़ी भाड़ा कितनी रकम है 1700। डूबा ट्रेंड दी हुई है ये कहाँ आएगी हमारी यहाँ पर इसके हम टाट बना देते हैं सारी चीजें नहीं है तो भी ठीक है। टी ए ए टी टी हमको यहाँ पर दिया हुआ है 836। बाकी आगे का जो भी आएगा वो हम बाद में देखेंगे अभी ये नहीं है हमारे पास दूसरा वाला टी तो नहीं लिखा। ऑफिस खर्च कहाँ आएगा लाभानी खाते के उधार में 2072 ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी। सवाल है तुम्हारा कि टेक्निकल खर्च का तो टेक्निकल खर्च की जरूर कहाँ पड़ती है जब प्लांट यंत्र होते हैं ना वहाँ पर ही तो प्लांट यंत्र कहाँ की चीज़ है प्लांट कहाँ होता है। अभी तक हमने यंत्र जितने भी देखे उसके आगे लिखा आता था ऑफिस यंत्र करके नई किताबें थी उनमें ऑफिस यंत्र कर दिया पुरानी किताबों में खाली यंत्र था जिससे कि हमको हमेशा कन्फ्यूज़न होती थी कि हम यंत्र कहाँ लिखे हैं उसकी घिसाई कहाँ लिखे बार बार तो वो क्या था ऑफिस यंत्र था लेकिन यहाँ पर स्पेशल इन लोगों ने लिखा प्लांट यंत्र यानी कि व्यापार खाते की आइटम है क्योंकि प्लांट है ये सब चीज़ें ऑफिस में तो सेट होती नहीं है इतने बड़े बड़े यंत्र तो ये वहाँ का खर्च माना जाता है तो टेक्निकल खर्च उसी से रिलेटेड है। आगे चलें अब हम एक एक करके समयजनों कॉल करेंगे और उनकी कम से कम दो असर जो होती हैं वो हम यहाँ पर देंगे ठीक है। तो पहला समयजन हमारा है यहाँ पर 31/3/2017 के रोज माल का स्टॉक 85,500 था यानी कि ये क्या हुआ अंतिम स्टॉक हुआ इसकी असर कहाँ देंगे हम व्यापार खाते के जमा में और संपत्ति पक्ष में तो यहाँ पर लिखूँगा अंतिम स्टॉक रेड पेन से मैं इनकी समझने की असर दे रहा हूँ सबकी ध्यान रखना 85,500 और दूसरी असर इसकी होगी संपत्ति पक्ष में पक्की तलपट के वहाँ तो अंतिम स्टॉक कितना 85,500 नेक्स्ट समयजा नंबर दो दोनों असर इसकी पूरी हो चुकी है हमारी इसके लिए प्लांट ट्रेंथ को हम थोड़ा होल्ड पर रखते हैं इसको हम लास्ट में करेंगे फर्नीचर फिटिंग्स अभी कर लेते हैं फर्नीचर फिटिंग्स पर 7.5% तो देखो कितना आता है 192 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2368। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ होगी लाभानी खाते के उधार में क्या लिखेंगे फर्नीचर पर घिसाई क्या लिखेंगे फर्नीचर रेड कलर से लिखा है ध्यान रखना है हमको एक सौ बानवे। आगे चलते हैं नेक्स्ट देनदारों पर 2000 डूबत अनामत रखना है तो देनदार ये रहे वहाँ पर हम लिखेंगे डूबत अनामत 2000 तो ये हमारा तीसरा नंबर का समायोजन है वो भी हो गया पूरा ठीक है। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी टाट के अंदर हमने लिखा हुआ है डूबत अनामत है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ऊपर इसमें कुछ नहीं है डैश और टोटल होकर आ जाएगा 2836 ठीक है। आगे चले नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर पूंजी पर 6% का ब्याज देना है तो पूंजी खाते में जाएंगे वहाँ पर हम दोनों का लिखा हुआ है तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत देना है तो 4800 आएगा 8×48 और 4×24 ठीक है। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी लाभानी वितरण खाते के उधार में यहाँ लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज संत और महंत 4800 और 2400 7200। चले आगे
पांचवा समायोजन हमारा अदत्त खर्च। तो हम देखो सब अदत्त खर्च को एक साथ लिख देते हैं। ये कहाँ लिखे जाते हैं अदत्त खर्च? पक्की तलपट में, पूंजी दायित्व पक्ष में। पक्की तलपट में, पूंजी दायित्व में, यहाँ लिखेंगे हम अदत्त खर्च। और अदत्त खर्च की पूरी हेडिंग डालकर सब खर्चों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर हम उत्पादक मजदूरी, हाँ के ना, उसके बाद में कौन सा है? विज्ञापन खर्च, ऑफिस वेतन और टेक्निकल खर्च। तो हमारा यहाँ पर है 784, 312, 400, 320। अब इनको एक एक को हमको इनकी दूसरी असर इनके अलग अलग खातों में जहाँ भी होंगे वहाँ देनी है। उत्पादक मजदूरी हमको मिलेगा व्यापार खाते में, वहाँ लिखेंगे हम अदत्त 384 के 784 अदत्त 784। इनका टोटल कर दो दोनों का कितना आता है वो बाहर लिखेंगे हम 46,056। ठीक है, दो असर पूरी हो गई। एक असर हमने इसकी यहाँ दी और दूसरी असर यहाँ दी दी हमने पहले से। अब विज्ञापन खर्च 312, तो विज्ञापन खर्च हमको कहाँ मिलेगा? लाभानी खाते के अंदर। तो 13,560 क्या लिखना है? अदत्त। तेरह हजार 248 पहले था, उसमें 312 हमने और प्लस किया तो 13,560 हो गया। आगे चले तो ऑफिस वेतन 400 रुपये का, तो ऑफिस वेतन हमारे पास ये रहा, वहाँ लिखेंगे अदत्त कितना है? 400, तो 9180 हो जाएगा। दूसरी असर इसकी हो गई। अभी हमारा एक टेक्निकल खर्च और बाकी है। टेक्निकल खर्च अदत्त 320 है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 320, बाहर जाएगा हमारा 720। क्या लिखेंगे? प्लस करके अदत्त। देखो हमारे नॉर्मली सारे ट्रांजेक्शन्स पूरे हो गए सिवाय के प्लांट यंत्र के। तो प्लांट यंत्र की गणना के लिए हम एक नया पेज पीछे ले रहे हैं, वहाँ पर प्लांट यंत्र की पूरी गणना करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान में रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं गणना। ये गणना एग्जाम के अंदर शो करनी रहती है, ध्यान रख लेना। जो भी गणनाएं तुम्हारी आती हैं वो गणना अलग पेज पर लिखो तो ज़्यादा बेटर, और नहीं तो देखो कभी कभी छोटी छोटी गणनाएं आती हैं मैं उनको वहीं पर ही सॉल्व करवा देता हूँ। वहाँ नहीं करनी हो तो वहाँ नंबर डाल डाल कर लिख जाने के, भाई पहला नंबर ये वाली गणना, दूसरा नंबर ये वाली गणना, कोई भी नंबर डालते लिखते जाना है। ठीक है, और यहाँ छोटी छोटी हो तो बेटर है कि वहीं की वहीं फिनिश कर दिया जाए उनको। अब प्लांट यंत्र के बारे में बात करते हैं, तो देखो प्लांट यंत्र का टॉपिक हम ये ओपन करके रखते हैं। प्लांट यंत्र हमारे पास पुराना कितना था? तुम लोगों ने 11th पढ़ी है ना, उसमें घिसाई चैप्टर बहुत पढ़ा था, ये उससे रिलेटेड है। तो पुराना 33,300, कौन सी तारीख को है ये? 1/4/2016 को। वो तारीख हमेशा होती है जब शुरुआत में आता है, तो कौन सी तारीख की होती है वो? 1/4/2016। उसी डेट को सामने हमने विक्रय किया हुआ है, उसी डेट को हमने सामने क्या हुआ है? विक्रय। देखो लिखा हुआ है, तो विक्रय कितनी उसका किया है? 6900, ब्रैकेट में लिखा है 6900। उसकी वही कीमत कितनी है? 6900, तो हम 6900 ही लिखेंगे यहाँ अलग से। कितना लिखेंगे? कौन सी तारीख को किया ये विक्रय हमने? 1/4/2016 को ही किया, इसलिए कोई घिसाई इस पर होगी क्योंकि जिस दिन आया उसी दिन उसमें से हमने तुरंत माइनस कर दिया। देखो हमारे पास प्लांट यंत्र कितना था? 33,300 था। उसी दिन पहले दिन हमने जैसे हमने हमारा चौपड़ा ओपन किया उसी दिन हमने 6900 की वही कीमत का 6900 की वही कीमत का जो प्लांट यंत्र था उसको हमने बेच दिया 4800 रुपये में। तो देखो 6900 की कोई चीज़ तुमने बेची और 4800 में बेची, तो तुमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो ये एक पॉइंट हमारा अलग से निकल जाता है, हमने इसको बेचा कितने में? 4800 में। तो इसका मैं थोड़ा देर बाद करूँगा, पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी हम जब तक इसकी कैलकुलेशन करें तो ये रखते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 26,700 या 25,700? 26,400। तो 26,400 हमारे पास यहाँ बचा है, उसको हम यहाँ लिखेंगे हमारा क्या शेष है।
ठीक है। अब हमने दूसरा फर्नीचर खरीदा है 1-7 को, लिखा है फर्नीचर प्लांट यंत्र में वृद्धि, प्लांट यंत्र खरीदा हमने 1-7-2016 को 24,000 का। तो ये 24,000 का हमने यहाँ दूसरा खरीदा है, उसको इसके पैरेलल में लिख रहा हूँ खरीदा नया, वृद्धि की है, यानी कि वो खरीदा ही होगा तो ही वृद्धि होगी ना। बैठे बैठे वहाँ रखे रखे तो वृद्धि हो नहीं जाएगी, दूसरा नया खरीदा होगा तो वृद्धि होगी। कितने का? 24,000 का। कौन सी तारीख को? तारीख इम्पोर्टेंट, 1-7। अब बारी आती है घिसाई गिनने की दोनों पर, इस पर भी गिनेंगे और इस पर भी गिनेंगे। इस पर घिसाई गिननी है वो पूरी साल की, क्योंकि देखो तारीख कौन सी चली आ रही है, और हमारी अब 31/3 को हमको घिसाई गिननी है, 31/3/2017 को। तो यहाँ घिसाई गिनेंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे, घिसाई गिनेंगे, दोनों की अलग अलग घिसाई होगी। अब घिसाई गिननी है तो उसके लिए रेट भी हमको देखना पड़ेगा 15% का, तो 26,400 का 15% करो 39,60। ध्यान से समझना है इसको, 26,400 का 15% हमने किया तो कितना आ रहा है 39,60 आ रहा है। अब बात आती है हमारी किसकी, इसकी 24,000 की। तो 24,000 पर घिसाई गिननी है 15% से, लेकिन कितने महीने की? 9 महीने की। अब बोलोगे 9 महीने कैसे? तो देखो 1-7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो देखो 3, 6 और 9 महीने पूरे हो गए, तो 9 महीने का कितना आता है 2700। तो हम यहाँ से 2700 लिखेंगे, ठीक है, 15% × 9 आ गया। तो ये हमारा इस साइड का घिसाई आ रहा है, हो गया पूरा। अब हम इनको माइनस करेंगे, देखो इसको माइनस करो कितना आता है हमारे पास, और इसको माइनस करो कितना आता है, इसका आएगा 21,300। चलो यहाँ तक हमारा घिसाई का काम पूरा हुआ है। अब कुल घिसाई कितनी है दोनों की मिलाकर, देखो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया, 39,60 + 2700, 66,60। पहले हम घिसाई के असर देते दोनों की, तो हम इस घिसाई की असर कहाँ देंगे, हमारे यहाँ खाते के अंदर, यहाँ पहले इनका प्लस माइनस करेंगे। उससे पहले 2 मिनट, एक और पॉइंट हमारा जो बाकी रखा था हमने बिक्रे वाला, उसको कर देते हैं। देखो हमारे पास हम यंत्र जो बेचा है, बेचे गए यंत्र की बही कीमत कितनी थी, 6,900। यंत्र का विक्रय कितने में किया, 4800, यानी कम कीमत पर, तो हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई, तो यंत्र विक्रय से नुकसान, हम इसकी असर कहाँ देंगे, नुकसान की, लाभानि खाते के अंदर। तो हम पहले लाभानि खाते के अंदर लिखेंगे यंत्र विक्रय से नुकसान, यंत्र विक्रय से नुकसान कितने का, 2100 का नुकसान हुआ, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, यहाँ पे देखो 4800 से हमने दी थी, पर नुकसान नहीं लिखा था, तो नुकसान हुआ विक्रय से, ठीक है, कितने का हुआ था, 2100 का। अब प्लस माइनस करने के बाद जो शेष बचती है वो मेरे को बताओ पहले, उसमें से हमको माइनस करना 6,660 पूरी दोनों की मिलाकर घिसाई, 43,740, ठीक है। अब ये मैच करना है, ये हमारा सही है या गलत है, तो इन दोनों का टोटल करो, अगर वो आ जाता है तो हमारा सही है, पीछे 22,440 + 21,300 कट करो, 440 + 21,300
43,740 आ गया देखो बार हमारा, यानी कि हमारी यहाँ तक की सारी एंट्री अब कंप्लीट, जो कि घिसाई की एंट्री दूसरी देनी ही बाकी है। कहाँ आएगी इसकी घिसाई, कहाँ आएगी? प्लांट शब्द दिख रहा है तो कहाँ आएगी? व्यापार खाते में। नॉर्मल अगर होता यंत्र खाली यंत्र तो हम लाभानी में लिखते, लेकिन क्या प्लांट यंत्र है तो उसकी घिसाई कहाँ लिखेंगे हम? व्यापार खाते के अंदर। कितनी? 6,660। हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए। गणना है एक एक करके के स्टेप हमने किया है, एकदम इजी वे में किया है। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो बोल सकते हो अभी तक ना। ये बेचे यंत्र की नुकसान कीमत, मैं चाहता तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट 1600 माइनस कर सकता था तो सिंगल इफेक्ट देता, बट हमने दोनों की अलग अलग इफेक्ट करके दिखाई है। नुकसान 2100, विक्रय का जो था वो माइनस कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, चले आगे। और आगे में क्या है, हमारे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं तो हमको क्या करना है, अकाउंट का टोटल करना है और लास्ट में बैलेंस शीट को मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने 268,000 प्लस 85,500, 353,500। उसमें से इस साइड का माइनस करना है सब, ₹68,040 हमारा यहाँ का डिफरेंस आ रहा है, 68,040 आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सकल लाभ। लाभ हानि खाते ले गए। बड़े बड़े हैं ना, अब ये सकल लाभ है उसको हम लिखेंगे लाभानी खाते के जमा में। 81,000 है, नहीं 81,000 है, मैंने 18,000 किया था, हो सकता है। क्या लिखेंगे? व्यापार खाते से लाए। इस साइड का टोटल करेंगे 68,840 आएगा। हो गया, अब इस साइड का माइनस करना है 68,840 में से। ₹32,978 आएगा, वो हमारा क्या है? शुद्ध लाभ है। क्या है? क्या लिखेंगे? लाभानी वितरण खाते। अब इसको हम लिखेंगे लाभानी वितरण खाते के जमा में 32,978। क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ। लाभानी खाते से लाए। अब इसके टोटल करने के लिए साइड में कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यही टोटल हो जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे 7200 माइनस करके इसमें से,
25,778 को 3:2 में बांटेंगे। पहली लाइन में हमको अनुपात दिया था इनका इसके लिए। हाँ पॉइंट में आ सकता है। पंद्रह हजार 467 पहले का। हाँ सही है। सेकेंड नंबर कितना आएगा? 10,311। दूसरा आ रहा है तो ये संत और ये महंत, 3:2 में हमने इसको बांटा था। उसके बाद में इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी? यहाँ पर क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ। इसका हम टोटल करेंगे तो 15,467 और 10,311 52,711 एम का। उसके बाद में माइनस करेंगे तो 49,711 100,267 1,267 डिफरेंस आएगा 93,267 93,267। उसको लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। ये कहाँ जाएगी पूंजी हमारी? अब पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के अंदर क्या लिखेंगे? पूंजी संत और महंत। संत की 93,267 और 49,711 टोटल करेंगे 1,42,978। अब दोनों साइड का टोटल मैच करेंगे। दो लाख 3,044 2,03,044 दोनों साइड का टोटल यहां पर है हमारा। तो दोनों साइड का टोटल मैच हो गया है और इस प्रकार हमारा सम भी पूरा हो गया है।